आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के राजभवनों पर पैदल मार्च कर ज्ञापन देने का आज एक कार्यक्रम था। शांतिपूर्वक हम लोग यात्रा करके राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते थे इस कृषि बिल विधेयक के खिलाफ। सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया, दमन की राजनीति की और हम सब लोगों को जबरन रात से ही घर घेरा। और आज सुबह जब हम लोग निकल कर मार्च के लिए तैयार होकर आगे बढ़े और मार्च निकलने के बाद ही सरकार ने हम सब लोगों को गिरफ्तार करके आदरणीय MLC दीपक सिंह जी और हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, लाकर इको गार्डन रखने का काम किया। ये विधेयक काला कानून है। सरकार विदेशी ताकतों के संरक्षण में इस बिल विधेयक को लागू करके देश के किसानों पर कब्जा करना चाहती है, उनके खेत खलियानों पर कब्जा करना चाहती है। भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, कृषि आधारित देश है और कृषि पर जो संपन्न देश है उनकी गिद्दी नजर लगी हुई है। सरकार से साठगांठ करके भारत के अर्थव्यवस्था पर और खासकर खेत खलियान और किसानों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिनके मंसूबों पर कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज सड़कों पर पिछले निरंतर काफी दिनों से संघर्ष कर रही है और निश्चित रूप से सरकार लाख दमन करे, गिरफ्तार करे, जेल भेजे, कांग्रेस पार्टी लड़ाई जारी रखेगी। अध्यक्ष जी, जिसको आप काला कानून कह रहे हैं, दरअसल प्रधानमंत्री कानून के माध्यम से किसानों की आय दुगुना करेंगे 2022 तक, वो उसको पॉजिटिव ले रहे हैं और किसानों की समृद्धि की ओर इसको देख रहे हैं। मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं लेकिन जनता की बात तो कभी करते नहीं, उनसे सीधे मुखाबित तो होते नहीं। जो कृषि मंत्री हैं वार्ता कर रहे हैं लेकिन वार्ता का नतीजा क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि MSP समाप्त नहीं करना चाहते, कृषि फार्मिंग बिल को लागू नहीं करना चाहते, तो सरकार इसे विधेयक बनाकर क्यों नहीं लागू कर रही? विधेयक की तो बात किसान कर रहे हैं, 50 दिन से धरने पर बैठे हैं, ठंड के ठिठुरन में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं। 120 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।